इस वीडियो पे जितने भी लाइक्स आएंगे ना, 1 लाइक इज इक्वल टू 100 रुपीज उतना मैं डोनेट करूंगा फॉर दिस COVID-19 रिलीफ सम कॉज. सो जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे वीडियो को उतना ज़्यादा वो डोनेशन का अमाउंट होगा. सो डू गिव इट अ थम्स अप. हेलो नमस्ते सब से कॉल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज संचित एंड यू वाचिंग सिंग ऑन व्हील्स. सो फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू मेक एटलीस्ट 1 वीडियो पर वीक. सो डू सपोर्ट बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल योर मोटरसाइकिल, नॉट इवन मोटरसाइकिल, ऑल द ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट फ्रेंड्स. ऑल्सो डू सपोर्ट बाय लाइकिंग द वीडियो, लीव अ कॉमेंट इफ यू वॉन्ट टू, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब. सो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट हाउ टू नॉट बर्न और डिस्ट्रॉय योर क्लच, और रादर आई वुड से क्लच प्लेट्स. So guys, first thing first, your clutch lever should has minimum required play. Let me tell you required play kya hota hai. This null area, this is called the play area. So your clutch lever should be properly adjusted. Let me go to other side and show you. So jab a clutch cable hai, yahan pe jo clutch cable aa raha hai, when you pull the clutch lever, it moves. And when you pull the clutch lever, this lever again pulls the clutch plates from inside, and which disengages the clutch plates. So agar aapka क्लच प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं है तो चांसेस आर जब आपका क्लच प्लेट्स डिसएंगेज हो रही हैं, दे आर स्टिल बर्निंग अगेंस्ट ईच अदर. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड जब भी आप सर्विस करवा रहे हो या जब भी आपको लगता है कि आपका क्लच प्ले जो है उतना नहीं है जितना रिकमेंडेड या जितना स्टार्टिंग में था, सो गेट इट एडजस्टेड बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव द एटलीस्ट द रिक्वायर्ड क्लच प्ले, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट. सो माई सेकेंड पॉइंट, ऐसे मैंने बहुत बार देखा है कि जो न्यू राइडर्स होते हैं, इवन द एक्सपीरियंस राइडर्स, they what they do is they ride the clutch. Riding the clutch means when you, so this is called clutch disengagement and this is clutch engagement. So when you engage the clutch, what I have seen is a lot of people, they keep the clutch lever a little depressed, which means your clutch is not fully engaged. जिसकी वजह से while riding your clutch plates are still burning, and बहुत लोग ride करते हुए हाथ को इस तरह रखते हैं clutch के ऊपर. So अगर आपकी bike का पहले point मैंने बोला play proper नहीं है तो वो, प्लस अगर आप थोड़ा सा क्लच को ज़्यादा डिप्रेस करोगे तो योर क्लच प्लेट्स विल स्टिल बी बर्निंग. एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग न्यूट्रल से बाइक को उठाते हुए दे गिव द थ्रॉटल मोर देन रिक्वायर्ड. एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो आपको राइड करते समझ आता है जब बाइक को उठाना है तो कितना थ्रॉटल देना है और कितना और कब आपको कितना लेवर रिलीज करना है. सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू वॉट पीपल शुड डू एंड वॉट पीपल यूजली डू. सो फर्स्ट थिंग, यू क्रैंक द इंजन. This is how you should ideally do. Disengage the clutch, put the bike in gear, and thoda sa throttle deke start releasing the clutch so that bike moves forward. But what people do is crank the bike, put the bike in first gear, and then give more throttle than what is required. सो कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऐसा बहुत बार देखा है कि जब ट्रैफिक में लोग राइड करते हैं या रेड लाइट पे खड़े होके, दे कीप द इंजन ऑन बाइक इन गियर और क्लच लेवर को दे जस्ट पुल इट एंड होल्ड इट लाइक दिस फॉर 1 मिनट 2 मिनट एंड इवन मोर देन दैट, अगर रेड लाइट और लंबी होगी तो और ज़्यादा. बट आइडियली वॉट आई डू इज आई जस्ट किल द इग्निशन और आई जस्ट मूव इट टू न्यूट्रल, रिलीज द क्लच एंड देन होल्ड द बाइक विद योर ब्रेक. नो डोंट जस्ट, दिस इज अ सिन फॉर एवरी मोटरसाइकिलिस्ट टू होल्ड द क्लच लिवर and just keep standing and waiting for red light to turn green or standing in a traffic for a minute or 2 minutes and just keep holding your clutch, because aisa karne se clutch plate bahut jaldi phuk jayenge, shayad 7000-8000 km se zyada bhi aapki clutch plate nahi chal payegi. So ideally keep this in mind, this is a sin for you. So guys, fourth point, ek aur cheez jo maine dekhi, what a lot of people do is they start the motorcycle in first gear using the clutch lever, which is actually not good, because let me just demonstrate you why. आई वॉज नॉट कीपिंग माई हैंड ऑन द थ्रॉटल बट द बाइक वॉज स्टिल मूविंग, जबकि क्लच लीवर पूरा पूरा मैंने पुल कर रखा था. सो यूजली होता क्या, बाइक पर बैठे होते तो वेट की वजह से बाइक मूव नहीं करती, बट अभी मैं साइड में खड़ा था तो बाइक वॉज मूविंग. सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग वेन यू सेल्फ स्टार्ट द बाइक इन फर्स्ट गियर, सो योर क्लच प्लेट्स आर स्टिल बर्निंग. पॉइंट, ऐसा बहुत बार होता है जब पार्किंग लॉट से बाइक को बाहर निकालना होता है या बाइक स्लो पे और पीछे खींचना है
तो व्हाट पीपल डू इज बाइक स्टार्ट रहती है, पहले गियर में डालते हैं एंड क्लच को दबा के दे जस्ट पुल इट बैक. बट एज आई शोड यू, अगर आपकी बाइक गियर में है, इवन इफ योर क्लच इज कम्प्लीटली पुल्ड बैक, स्टिल इट इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, गो अहेड. तो अगेन यू आर बर्निंग योर क्लच प्लेट. सो आइडियली जस्ट पुट योर बाइक इन न्यूट्रल, इंजन को किल कर दो चाहे तो, एंड देन जस्ट पुल इट विद बोथ हैंड्स और यूजिंग वन हैंड ऐसे बॉडी वेट को यूज करते हुए जस्ट पुल इट लाइक दिस. सो दिस विल हेल्प योर क्लच फ्रॉम नॉट बर्निंग. कमिंग टू द एंड, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे और आपका क्लच बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहता है. सबसे पहले अगर आप देखोगे ड्यूक में मैकेनिकल क्लच होता है, जो कि आप क्लच लीवर को कितना दूर रखें, कितना पास रखें, आप एडजस्ट कर सकते हो. कुछ लोग आफ्टर मार्केट क्लच भी इंस्टॉल करवाते हैं जिसमें ये एडजस्टमेंट होता है. सो दिस शुड बी प्रॉपरली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर हैंड, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, अदरवाइज ऑल्सो क्लच थोड़ा सा पुल रहेगा, क्लच पर बर्न होने का डर रहता है. वन मोर थिंग विच आई हैव सीन इज, जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो जब सैडलिंग कर रहे होते हैं तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट बहुत स्लो स्पीड रहती है तो थोड़ा सा क्लच का यूज़ करते हैं ताकि मोमेंटम मेंटेन रहे, बाइक रुके नहीं या बाइक झटका ना मारे. बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड. अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपका हाथ क्लच से हटा रहना चाहिए पूरे टाइम, अदरवाइज आप ऑफ रोडिंग करके जाओगे और आओगे और आते आते आपकी क्लच बेटे पूरी जल चुकी होंगी. उसके अलावा जो लोग व्हीली करते हैं या बर्नआउट करते हैं उसमें भी क्लच प्लेट्स बर्न होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है. तो इफ़ यू डू दैट, डू इट प्रॉपरली एंड आई वुड से जितना कम हो सके उतना करो. इफ़ यू आर प्रोफेशनल डूइंग इट देन इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज अगर आप ऐसे रूटीन में करते हो तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन, डू लीव अ कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो ये वीडियो को शेयर करना अपने मोटरसाइकिल ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट फ्रेंड के साथ ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनका किसी का हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी का क्लच जलने से बच जाए. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सिंग ऑन व्हील्स साइनिंग ऑफ. बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय लाइफ.